हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक, आपका अपने चैनल किचरी ब्लॉग पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं और मेरा एक दोस्त इंजीनियर गुप्ता, हम दोनों जा रहे हैं आज संगम नहाने के लिए। तो आज इसी के बारे में ब्लॉग है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम पर ब्लॉग मिलता रहे, जो भी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग हो। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं और ये गुप्ता, इंजीनियर गुप्ता जो है, हम दोनों जा रहे हैं आज संगम नहाने के लिए। तो अभी थोड़ी बारिश भी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे रोड पूरी गीली दिख रही है और थोड़ी अभी भी बूंदा बूंदी चालू है। हम लोग भी थोड़ी देर में गीले होने वाले हैं। नहाने जाने में तो पूरा परेशानी हो रही है, पता नहीं नहा भी पाऊँगा जा कर के या नहीं। नहाने के बाद देखूँगा कि ब्लॉग इसको रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। पहुँचने के बाद पता चलेगा रखना है नहीं रखना। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। आप सभी लोगों को सरस्वती पूजा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग चुंगी ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, ये पीछे देख सकते हैं आप, चुंगी ब्रिज है। अब हम लोग आगे आ गए हैं चुंगी ब्रिज क्रॉस करके, और यहाँ पे भी रोड गीली है, दिख रही है। और अब हम लोग चल रहे हैं संगम नहाने के लिए, ठीक है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पड़ता है संगम, और यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना है। क्यों गुप्ता? 8 फुट पैदल। इंग्लिश थोड़ी सोनी चाहिए ना ब्लॉग में, मतलब इंग्लिश आपको दिखाते हैं फ्रंट मेन कैमरा से आगे का सीन कैसा दिख रहा है, ठीक। ये देखिए गुप्ता जी मास्क ले चुके हैं, फिर ये मैं मास्क ले लिया हूँ, ठीक है। मास्क की सुविधा फ्री है, और ये आप देख रहे हैं भीड़ कैसी जा रही है और आ रही है, दोनों साइड की भीड़। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखती है। जैसे जैसे संगम क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ और बढ़ती जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा अब बढ़ गई है। और ये देखिए गुप्ता जी चले गए हैं वीडियो में जाने के लिए। ये सामने जो नदी दिख रही है आपको, ये गंगा नदी है, और ये भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चल रही है। अभी बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ रखा है रास्ते का, देख सकते हैं। आइए तो जूते अच्छे पहन कर आइए, नहीं तो ना पहन कर आइए। और जूते का हाल देख सकते हैं, शशांक भाई का जूता बच गया, लेकिन मेरा जूता खराब हो चुका है। जूतों का हाल बहुत बुरा हो चुका है करीब, और इतना ज्यादा घुमा रखे हैं रास्ते को कि कुछ कह नहीं सकते भाई। 2 किलोमीटर के रास्ते को 3.5 किलोमीटर बना रखे हैं। मेरा क्षेत्र में जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा, एक चौराहे में लोकल हूँ यहाँ का, इलाहाबाद का, पर मैं देखना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ से घुमाए हैं भाई साहब। 200 मीटर जाने के लिए 2 किलोमीटर परिक्रमा करवाए हैं। मैं लोकल यहाँ का हूँ, आप लोग जानते हैं, तब भी हम कहा देख लेते हैं, आप लोगों के लिए देख लेते हैं, मैंने देख लिया, आप लोग ना देखिएगा। अब देखिए दिखाता हूँ आपको मेन कैमरा से आगे। अब थोड़ी दूर बचा है संगम के किनारे पहुँचने में। हम लोग यहाँ पे रेगुलर रहने वाले हम से हैं, तो फिर हम लोगों को पता है कि संगम का जो मेन घाट है वो कौन सा है। बाकी बहुत सारे लोग गंगा में या फिर यमुना में नहा करके चले जाते हैं, और हम लोग तो जाएंगे सिर्फ संगम के घाट पे। क्यों गुप्ता जी? चलिए दिखाते हैं संगम का जो मेन घाट है ना, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग संगम के एकदम नजदीक पहुँच चुके हैं, आप पीछे भीड़ देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ चल रही है। भारी बरसात के साथ भारी कीचड़ के साथ, दो चीज़ ना भूलिएगा, बारिश की वजह से देख सकते हैं आप नीचे कितना कैसा हाल हो रखा है। और आगे के कैमरे से आपको दिखाते हैं आगे का जो हाल है, वो अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आगे का हाल, पता ही नहीं चल रहा कि बेहाल है कैसा है। जो श्रद्धालु सिर्फ घूम रहे हैं संगम नहाने के लिए जो भी आए हुए हैं। एक ये देखिए इनका चल रहा है 591 चक्रवर्ती चंडी परिक्रमा चल रहा है। ये जो पूरी भीड़ दिख रही है, ये यमुना किनारे पूरी भीड़ है, ये आप देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ है। वर्षाल मेला अब हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब नहाने के बाद सीधा मिलते हैं। एक अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है, बूंदा बूंदी जो हो रही थी वो भी, तो अब नहाने के बाद मिलते हैं आपसे। कीचड़ बहुत। स्वयंभू
अब हम लोग नहा करके आ चुके हैं संगम के किनारे में। हम लोग वीडियोग्राफी नहीं कर पाए ज्यादा क्योंकि वहाँ पे प्रशासन ने रोक रखी है। दिखा देता हूँ आपको कि संगम के किनारे का जो सारा क्षेत्र है उस सब में कैसा कैसा भीड़ चल रही है, क्या क्या हो रहा है उधर। दूर से दिखा पाऊंगा, करीब से तो नहीं दिखा पाऊंगा, प्रशासन ने बना के रखा है और बार बार प्रशासन आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ का एक व्यू मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और ये है जो संगम का मेन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ और इस साइड पे गंगा का जो है वो क्षेत्र है और ये सामने जो है वो संगम से मिलकर के निकल जाती है। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है और कीचड़ कितनी ज़्यादा है वो आप नीचे देख ही सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ, तो देखते हैं हनुमान मंदिर में अगर भीड़ नहीं होगी तो उसमें भी चलेंगे अंदर, और अगर भीड़ होगी तो फिर मुश्किल होगा उसके अंदर जाना भी। अभी हम लोग हनुमान मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और पीछे देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, फिर कभी आएंगे दर्शन करने के लिए। क्यों? हाँ आते, यहाँ तो हम लोग आते रहते हैं, हम दर्शन नहीं आते रहते हैं, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम का थोड़ा इशू भी है। माघ और माघ मेला ख़त्म होने के बाद हनुमान मंदिर के अंदर का जो वीडियो है वो स्पेशल डेडिकेटेड एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो अभी तो संभव नहीं है जब तक माघ मेला चल रहा है क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है ना। तो चलिए अब चलते हैं सीधा बाहर की ओर, मेला भ्रमण कर, हाँ मेला भ्रमण करते हैं। अभी हम लोग करीब करीब 5 किलोमीटर से ऊपर चल चुके होंगे और अभी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर और चलेंगे तभी बाहर की ओर जाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। फाइनली हम लोग हनुमान मंदिर दर्शन कर चुके हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं। अब हम लोग संगम जो मेला लगता है जिसे माघ का मेला कहा जाता है वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर झूले वगैरह अपने पुरानी वीडियोज में भी देखा होगा तो वही झूले वगैरह के दिखाएंगे, कुछ वहाँ का सीन होगा। पीछे आप देख रहे होंगे हनुमान मंदिर से दर्शन करके बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, आशीर्वाद लेकर कुछ प्रसाद जानकर बहुत लोग आ रहे हैं और सब लोग दर्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली मीना बाजार लगा हुआ है। ठीक है, आपको ले चलते हैं अंदर मीना बाजार के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की शॉपिंग की जा सकती है। ये झूले का जो डेडिकेटेड वीडियो है उसे मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसे भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने शॉपिंग किया और ये देखिए ये वाली फूल हम लोगों ने लिया है, अच्छा लग रहा है ये वाला सीन, आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम लोग मेला क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं और करीब 8 किलोमीटर की रनिंग के बाद हम लोग का ये पैदल रनिंग हुई पूरी। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आपको ये ब्लॉग हमें कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग जल्द टाइम पे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए बाय।